दोसर जाए पानी भरे ला तो बात बोली कहे आ सरकार लोलो में पानी नहीं दी चौहजरिया दुनिया मिले हिया नहीं मिले हिया दहार नहीं आये हिया कंका चप्पल जैसे कि आपको पता है जो बिहार में पंचायत चुनाव का चुनावी बिगुल फूक चुका है और हमारे मुखिया जी जो थे बिहार के हमारे बिहार के पूरे बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो है कुछ गाइडलाइन जारी किए थे कुछ समय पहले। एक अखबार में पढ़ने के लिए हमें मिला था जो जिस पंचायत में अगर 5% भी काम बाकी है उस पंचायत का जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ये किस में इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे नीतीश कुमार जी का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है हमारे सीएम साहब का 7 निश्चय नल जल योजना, उस नल जल योजना में जो है जो भी काम बाकी है अगर 5% तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा सही है, बिल्कुल सही, उनका हम स्वागत करते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है। लेकिन आज अब आइए आपको हम दिखा रहे हैं ये बिरौल पंचायत का फकीरना गांव है और इस फकीरना गांव में आज हम आए हैं। और इससे पहले हमारी मुखिया जी से कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, तो मुखिया जी बोल रहे हैं जो हमारा संपूर्ण काम हो चुका है, नल जल में पानी आ रहा है, इतना मीठा पानी आ रहा है जिसका नाम नहीं। लेकिन इन्हीं के पंचायत में, इन्हीं के वार्ड में हम आज आए हैं और आज आपको दिखा रहे हैं जो नल जल में कितना मीठा पानी आ रहा है और कितना अच्छा पानी आ रहा है, वो आपको खुद यहाँ का जनता बताएगी। और मुखिया जी कमीशन दे करके जियोटेक करने वाले से जियोटेक करवा लिया, संपूर्ण वार्ड कम्प्लीट लिख दिए। कैसे लिखवाए उन्होंने, कैसे संपूर्ण वार्ड कम्प्लीट हुआ है, इस चीज़ का सवाल हम पूछते हैं मुखिया जी से और यहाँ की जनता को पूछते हैं कि आपको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नल जल में। पहला स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए इसका टोटी गायब है। ये टोटी चोर जो है कुछ समय पहले हम यूपी में सुना करते थे जो टोटी चोर हुआ करता था, लेकिन बिहार में भी टोटी चोर आ गया। वो टोटी चोर और कोई नहीं है, वार्ड मेंबर है, वार्ड सचिव है, जो अभी तक इसको कंप्लीट नहीं करवाया है। आइए कुछ आदमी से बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये चावल ले जाइएगा तो इसको पकाने के लिए पानी की जरूरत है। और हमारे जो है बिहार के मुखिया जो सीएम बोलते हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत बोला था स्वच्छ जल मिलेगा पीने के लिए। कितना स्वच्छ जल मिल रहा है पीने के लिए आपको? पानी का तो नल से तो कोई मतलब, अभी तक तो पानी का कोई मतलब हम लोग देखे भी नहीं है कि पानी नल का पानी कैसा है। नहीं अभी तक नहीं देखा ना, कुछ नहीं एकदम। कितना साल हो गया है? लमसम 3 साल के लमसम। मुख्यमंत्री जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट का खुलासा पोल खुल रहा है, देख रहे हैं आप। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, जो आपने जो है गाइडलाइन जारी किए थे उसको पूरा कीजिए आप। सही बात, यहाँ पर हम आए हुए फकीरना में और आपको दिखा रहे हैं अभी मुखिया जी का 5 साल। मुखिया जी 5 साल में कितना घोटाला किए हैं, कितना खाए हैं, डकार करके पेट ऊंचा कर लिए हैं मुखिया जी। हमारे मुखिया जी भी है ना, इतना मोटा पेट करके घूम रहे हैं, चलने भी नहीं हो रहा है। थोड़ा तो मोटा थे, थोड़ा मोटा ये 5 साल में हो गया है। आइए कुछ जनता से मिलाते हैं। गरीब आदमी लोग मर रहा है, जो कल के बाढ़ पीड़ित का पैसा देते करे चाहे जो करनी करते करते नहीं करते नहीं कर। मुखिया जब भागु से मुँह में थप्पड़ लगा कर पानी आवे या नल जल में कुछ साफे ने देख नहीं आता है। वो बना दिया जब ही से गया बना ये नल गार के की कलकन कुछ न कलकन पानी ने आवे बिल्कुल नहीं आवे छे साफे नहीं आवे जब से पास ये 5 नंबर वार्ड से तक पानी देखबो नहीं कि यहां से कैसा पानी निकल रहा है। नहीं देखे हैं लेकिन ये जो बोल रहे हैं गलत है, कहीं पानी नहीं एक बूंद नहीं जा रहा है। एप्लीकेशन लिख के दिया है उसको भी दबा दिए, एक बार आया सिर्फ देख के चला गया, उसके बाद दोबारा आया ही नहीं। निवासी चंद्रमोहन जी है जो बोल रहे हैं वीडियो साहब के पास हम लोग लिखित रूप में कम्प्लेन दिया, आवेदन दिया, वहाँ से जांच के लिए आया और उसके बाद जांच करके चला गया, लिपापोती कर दिया पूर्ण रूप से। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्या हमारे जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, इनके घोषणा का अवहेलना किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है लग रहा है। हमारे वार्ड मेंबर महोदय संपूर्ण रूप से करवा दिए हैं जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ नल जल का कनेक्शन ही नहीं है।
अब बताइए वो पाइप कहाँ गया, चोरी हो गया। टोल पंचायत का फकीरना गांव का 5 नंबर वार्ड है। सरकार लोलो में पानी नहीं दी, चौहजरिया दुनिया मिले हिया नहीं मिले, हिया दहार नहीं आल छे, हिया कंकाल नहीं छे। जी जब भी भोट लेते ने तोरा चप्पल से मार की है मार नहीं दे छे किछो तो चप्पल से मारबे नहीं जी नहीं दे पै लेबेन करे छे किछो तो हमरा व्यवस्था छेबे न करे त हम देबै का हमरा अपन गरज नहीं छे रुपैया आवे छे कोनो चीज के फंड आवे छे माल भैंस मोरे से एगो पैसा देबे न करे त देबै का खा जाय छे नहीं मिला। और इंदिरा पास आता है तो उसमें 20,000 रुपया देता है, खुले हम घुस ले रहे हैं। आप लोग क्या अगर वोट करने के बाद भैया हम नाम कटवा देते हैं, हम चीज से वंचित कर देते हैं, बंद करवा देता है। हम लोग किसी चीज के लिए जाते हैं तो कैसे हम वोट देंगे उसको, हम अपना दादागिरी आपकी बार दिखाएंगे। आपकी बार वोट मांग लेके आएगा तो मार खाएगा, लाएंगे जो अच्छा आदमी रहेगा उसको अच्छा से बनाएंगे, जो बेमान आदमी है उसको।